श्रेणी मूड में आपका स्वागत है। सिपाही भर्ती के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सिपाही भर्ती का आपका आ गया है नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं कि 2019 का नोटिफिकेशन ये है, ठीक। इससे पहले 1/2019 का आया था आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और इसमें पोस्ट की संख्या आप देख सकते हैं कि बिहार सैन्य पुलिस और यहाँ पर जो भी पुलिस के जो शाखा है उसमें 11,880 फॉर्म आए हैं। यही आपको बताना था। बाकी अब मैं इसका PDF आपको दे देता हूँ, पूरे अच्छे से इसे पढ़ लीजिए। बाकी मैं डिटेल जो है वीडियो जल्दी बनाता हूँ, ठीक। यही बताना था कि फॉर्म आप ये आ गया है नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा से यहाँ पर असफल किए जाएंगे। मीन्स की PT जब होगा तो उसमें आवेदन जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/8 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, मीन्स की 1 अगस्त तक जो लोग इंटरमीडिएट याद रखिएगा 12th उत्तीर्ण है वही ये कर सकते हैं, ठीक। और उम्र जो सीमा है यहाँ पर देख सकते हैं कि उम्र सीमा जो है समान अनारक्षित वर्ग एवं महिला न्यूनतम 18 से 25 वर्ष तक है। तो अलग अलग जो छूट मिलता है वह है आपको, जैसे पिछड़ा वर्ग के कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम, मीन्स की एक यहाँ पर चेंज हुआ है कि पहले यहाँ पर क्या होता था कि 27 वर्ष आपको दे दिया है कि इसको पुरुष के लिए EBC और BC सेकेंड का, और EBC या BC सेकेंड का महिलाओं के लिए 1 साल ज़्यादा दिया है समय, आप देख सकते हैं। और बाकी जो भी डिटेल है मैं आपको देता हूँ, पहले ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए। 12th चाहिए कम से कम इसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट उठ सब वही है कि जो आपका पिछड़ा समान वर्ग के लिए चाहिए 165 वर्ष चाहिए आपको पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये सब वही है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और जो आपका लिखित परीक्षा होगा वो देख सकते हैं कि 10+2 स्तर का होगा। जल्दी ही इसका बैच भी मैं स्टार्ट करूँगा, 100 अंकों का होगा, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो होगा वो सिलेबस अपलोड कर दिया गया है टैब पर, तो अलग से वीडियो उस पर हम बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। तो ये पहले आप देख लीजिए और फिर अलग से डिटेल वीडियो मैं लेकर आता हूँ। तो ये आपका इतना वैकेंसी है, मैं बार बार बोलता था कि दशहरे तक इंतजार कीजिए और दुर्गा माँ से प्रे करिए कि जल्दी आ जाएगा और आपका वैकेंसी आ गया, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने खुश हैं, मिस की बता सकते हैं कि खुश है कि नहीं, और जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछिए, सारा सवाल का एक साथ आंसर देता हूँ पूरे डिटेल के साथ। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।